हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है शाम के 5 बजे से। तो अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है और चाय का टाइम भी हो रहा है। और वैसे तो गर्मी में चाय पीने का मन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा एक रूटीन होता है ना कि हमें चाय पीनी है, और चाहे सुबह हो या शाम हो, लेकिन बिना चाय के तो फिर हम लोगों का होता ही नहीं है कि चाय तो ज़रूर से पीनी है। और उसके बाद जो है, यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, तो चाय में मैं अदरक ज़रूर डाल रही हूँ। तो गर्मी हो चाहे कुछ हो, हम लोग अदरक मतलब खाते हैं। और यहाँ पे दक्षु जो है ना, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था ठंडा पानी पीने का, और उसे लगी है सर्दी, तो इस वजह से मैं उसे मना कर रही थी। लेकिन फिर वही है ना, पापा ने कह दिया कि पी लो, तो उसके बाद फिर वो बस उसने निकाली और ठंडा पानी जो है पीना शुरू कर दिया। और वैसे जब नहाना होता है तो उसे गर्म पानी चाहिए होता है, और वैसे इतनी गर्मी में भी वो गर्म पानी से नहा रहा है, लेकिन पीने के लिए उसे ठंडा पानी चाहिए। तो चलिए, बच्चों की बस यही आदतें होती हैं। और उसके बाद जो है, यहाँ पर हम लोग चाय पी लेंगे। तो चाय हम लोगों ने पी ली थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ले आई थी कपड़े नीचे। तो उसके बाद पहले तो मैं खाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे जो सामान चाहिए था वो था अभी नहीं। और हस्बैंड गए थे मार्केट, तो ग्रॉसरी वाला सामान लाना था, तो इस बार थोड़ा सा लेट हो गया हमारा। और उसके बाद क्योंकि बीच में कभी टाइम मिल नहीं पाता है, तो इस वजह से फिर शाम के टाइम पर जितना टाइम मिला या संडे के दिन, तो ऐसे हम लोग जाते हैं। और आज वो ही गए थे, क्योंकि आज ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था कि मुझे लाना था, तो फिर मैंने घर से ही बना के दे दी थी स्लिप, तो वो ले आएंगे। और उसके बाद फिर जब तक वो सामान लेके आएंगे, तब तक मैं यहाँ पे कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि कपड़ों को फोल्ड करने का काम ऐसा होता है ना, अगर टाइम से हो जाए तो सही रहता है, नहीं तो फिर सारे कपड़े जो है फैल जाते हैं, और उसके बाद फिर कभी ऐसा होता है कि अगले दिन भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है, मैंने सारे कपड़े उनकी जगह पे रख दिए थे, और जो सॉक्स और हैंकी हैं वो भी मैंने अलग बास्केट में रख दिए थे, जिससे कि सुबह के टाइम पे ऐसा ना हो कि हमारे सॉक्स कहाँ गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कूल जाने में टाइम वेस्ट यही होता है। अगर उन्हें ढंग से ना रखो तो फिर ये होता है, एक सॉक्स कहाँ गया, दूसरा कहाँ गया। तो दोनों को मैं बात करके रख देती हूँ, जिससे कि सुबह के टाइम पर वो मिल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्लांट्स जो है उनको दे दूँगी मैं पानी, क्योंकि आजकल गर्मी की वजह से सुबह शाम दोनों टाइम देना पड़ता है। तो बाहर का व्यू मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हमारी किचन से एकदम जंगल जो है ना पीछे दिखता है। तो यहाँ पे जो दिन में बर्तन मैंने वॉश करे थे, तो वो सारे उनकी जगह पे उन्हें रख दूँगी, क्योंकि अच्छे से सूख गए हैं। और वैसे भी आजकल गर्मियों के दिनों में तो इतना ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, क्योंकि बर्तन उसी समय धो और थोड़ी देर में सूख जाते हैं। जाड़ों में ही होता है थोड़ा सा कि बर्तन सूखने में देर लगाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं उनको सबको उनकी जगह पर रख दूँगी, और जो यहाँ पर बच्चों के लंच बॉक्स हैं उन्हें भी रख दूँगी यहीं पर इसी समय, और जिससे कि फिर बाद में ये ना हो कि ये चीज़ें कहाँ चली गई हैं। तो कभी होता है ना, किसी के ढक्कन खो जाते हैं, कोई स्पून खो जाती है, तो यही रहता है बस। और उसके बाद यहाँ पे मैं करती हूँ डिनर की तैयारी। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ लौकी के कोफ्ते। तो लौकी के कोफ्ते ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और मेरे बच्चों को तो खैर जितनी अगर तरी वाली सब्ज़ी में जो मैं डालती हूँ उससे ज़्यादा सूखे बहुत अच्छे लगते हैं उनको। तो फिर मैं यहाँ पे जो लौकी थी मैंने पूरी ग्रेट कर दी थी, जिससे कि थोड़ा इन्हें सूखे दे दूँगी खाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मेरा बेसन ख़त्म हो गया था, तो फिर अभी ग्रॉसरी का सामान आया था, तो उसमें से फिर मैंने बेसन जो है वो खाली कर दिया था। इस वजह से मेरे पास बेसन नहीं था, इसी वजह से थोड़ा सा सब्ज़ी में लेट हो गई थी, नहीं तो मैं पहले ही बना देती सब्ज़ी। और उसके बाद आज मैं लौकी के जो कोफ्ते हैं ना उनको अलग तरीके से बना रही हूँ। उसमें काट रही हूँ मैं प्याज, और वैसे तो खैर लौकी के जो कोफ्ते हैं इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो आज जो है मैं फिर से एक बार और आपके साथ शेयर कर रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, और प्याज को कट करके डालने से ना लौकी के कोफ्ते जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसमें हींग डाल दूँगी, और हींग के साथ साथ डाल दूँगी इसमें अजवाइन, क्योंकि अजवाइन डालना ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर जो बेसिक से मसाले हैं वो डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, नमक, और सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी मैं। और उसके बाद फिर इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि लौकी जो है ना मैंने नमक में नमक मिक्स करके रखी थी, तो सारा पानी जो है वो मैंने उसका निकाल दिया था। और लौकी के कोफ्ते जब मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें बेसन कभी भी मैं मतलब कच्चा ऐड नहीं करती हूँ, तो मैंने बेसन जो है भून लिया था इसमें, पहले हल्का सा मैंने भून लिया था जिससे उसका कच्चापन निकल जाता है। और साथ ही फिर मैंने इसमें 1 चम्मच घी भी मिलाया था, क्योंकि घी मिलाने से लौकी के कोफ्ते ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और पानी इसमें आप बिल्कुल भी ना मिलाएं, क्योंकि पानी मिलाने से फिर बिल्कुल भी मतलब अंदर से जो है ना वो अजीब से हो जाते हैं। और इधर जो है मैंने एक एक करके सारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई कर दिए हैं, और उसके बाद जो है फ्राई करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल, और थोड़ा सा ऑयल इसमें एक्स्ट्रा लगता ही है क्योंकि कोफ्ते हैं ना,
तो फिर बहुत कम तेल में भी बन नहीं पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें तेल लिया है ज़्यादा। और उसके बाद जीरा, हींग और बाकी जो प्याज है मैंने पीस के लिया था वो, लहसुन और प्याज का पेस्ट, और साथ ही टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए मैंने, टमाटर का पेस्ट और बाकी जो बेसिक से मसाले हैं वो। और उसके साथ ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड करी है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके साथ ही एक अच्छा सा मसाला और टेस्टी जो हमारे कोफ्ते को बनाता है वो है किचन किंग मसाला, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। किचन किंग मसाला डालने से ना कोफ्तों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और उसके बाद डाल दूंगी मैं इसमें कोफ्ते एक एक करके, और 2 से 3 कोफ्ते जो है ना मैंने यहाँ पे इनको वो कर लिया था, मैश कर लिया था, मतलब तोड़ लिया था, और तोड़ने के बाद फिर वो मैंने इसमें डाल दिए थे, जिससे कि ग्रेवी थोड़ा सा अच्छे से बन जाती है। तो जब तक हमारी सब्ज़ी बनती है तब तक किचन के और काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंक में ना बर्तनों का ढेर लग गया है, और शाम के बर्तन भी थे, चाय के तो खैर थे ही, और साथ में जो बच्चे लगा देते हैं वो, और उसके बाद जो अभी सब्ज़ी बनाई थी उसके इतने सारे ढेर सारे बर्तन थे, तो पहले मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो रोटी मैं अभी बनाऊंगी रुक करके, क्योंकि अभी जो है बच्चों का काम भी हो रहा था यहाँ पे, और जो कल को एग्ज़ाम होने वाला था तो उसकी तैयारी चल रही थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे दिया तो खैर मेरे बच्चे ही जलाते हैं शाम को, तो दिया जला दिया था, और सब्ज़ी हमारी बन चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे जब तक काम कर रहे थे तब तक फिर मैंने सोचा रोटी बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों का तो ऐसे ही रहता है, दक्षु का ऐसे ही रहेगा, पहले तो वो कहेगा मुझे सब कुछ याद है, और उसके बाद जब सुनने बैठो तो कुछ ना कुछ गलतियाँ निकाल ही जाती हैं, तो फिर यही होता है लास्ट टाइम पे, फिर लेट ही हो जाती है बच्चों के चक्कर में। तो रोटियां सारी बन चुकी हैं, और उसके बाद सब्जी भी इधर बन के तैयार हो चुकी है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ सब्जी कैसी बनी है। तो खाने से पहले मैं एक बार यहाँ पे जो काउंटर टॉप है उसे क्लीन कर लेती हूँ, जो आटा गिरा है उसे मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाली एक हल्का सा कपड़ा मारूंगी तो एकदम से साफ़ हो जाता है, फिर खाली बाद में गैस स्टोव जो है वो साफ़ करना होगा। और इधर हम लोग कर लेते हैं डिनर, तो डिनर हमारा हो चुका था, उसके बाद फिर करनी थी सुबह की तैयारी, तो आलू जो है आलू छील लिए थे, और उसके बाद आलू जो है मैं आज अलग तरीके से कट कर रही हूँ, जिस तरीके से मतलब चिप्स होते हैं ना उस तरीके से, तो ऐसे भी आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, जैसे चिप्स की तरह अगर बनाओ उसे तो। और उसके बाद यहाँ पे जो अभी तेल बचा हुआ था ना वो तेल में ढक करके रख दूँगी, जो कोफ्ते का फ्राई करा हुआ था तो उसमें मैं सुबह आलू छौंक दूँगी, और क्योंकि बार बार ऐसा नहीं होता है ना कि अगर हम तेल को एक बार फ्राई करें फिर उसे फेंक दें, बहुत से लोग कहते हैं कि वो तेल खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर इतना भी तो वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैं तो सब्ज़ी में यूज कर लेती हूँ उस तेल का। तो जी अगले दिन के लिए साफ़ सुथरी सी किचन तैयार हो गई है, जिससे कि जब मैं सुबह काम करने आऊँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी सी पॉजिटिविटी के साथ, फुल एनर्जी के साथ काम करूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो ग्रॉसरी वाला सामान है ना, तो वो अभी शाम को लेट आया था, तो इसको तो मैं कल ही रखूँगी, अभी इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी फिर। और उसके बाद यहाँ पे जो कपड़े छत में दिन में डाले थे दोबारा से, तो कुछ बेडशीट थी यहाँ पे तो वो डाली थी छत में, और वो मैं अभी नीचे लेके आ जाऊँगी। तो जी घर के सारे काम हो चुके हैं, और उसके बाद जो है अब करनी है स्किन केयर, तो स्किन केयर तो मेरी कुछ भी नहीं होती है, बस खाली मैं पानी से मुंह धोती हूँ, और बस चाहे जाड़े हो चाहे गर्मी हो, मतलब मुझे बार बार मुंह धोने की आदत है, तो आजकल तो गर्मियों में वैसे भी कितने बार मुंह धोया जाता है। और मुंह धोने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर सोते समय आप पैर धो करके सोए ना तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से भी पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, और कमेंट करके जरूर से बताना।